नमस्कार, मैं नीता देवलिया उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की योग की कक्षा में आपका स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा पल्लड़िया हैं। आज के अभ्यास में हम षटकर्मों का अभ्यास करेंगे। अभ्यास से पूर्व इनके नियमों को आप जान लें। सबसे पहले जब भी आप अभ्यास करें, सुबह खाली पेट ही आपको करना है। प्रातःकाल ही षटकर्मों का अभ्यास आपको करना है। अभ्यास काल के दौरान सुपाच्य व यौगिक आहार को आपको अपने आहार में शामिल करना है, जिससे कि आपके अभ्यास काल में आसानी से आप कर सकें व पूरे प्रभावों को आप महसूस कर सकें। तो आइए षटकर्मों की चर्चा करते हुए आज की कक्षा को प्रारंभ करेंगे। षटकर्मों में 6 प्रकार के कर्म होते हैं, जिसमें धोती बस्ती, नेति नौली व त्राटक कपालभाति हैं। हम तीसरे प्रकार के अभ्यास को करेंगे, जिसमें आपकी नेति क्रिया है। नेति क्रिया के अभ्यास में रबर नेति का अभ्यास हम करेंगे। रबर नेति के अभ्यास के लिए जरूरी है कि आपके पास एक रबर उपलब्ध हो इस क्रिया के लिए, तो आप आसानी से इसे अपने मेडिकल स्टोर से कहीं आसपास से ले सकते हैं। उसके बाद रबर नेति का अभ्यास करेंगे। रबर नेति के लिए आपको कैथेटर की आवश्यकता होती है, जो आप कहीं भी मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। इसकी लंबाई 6 से 8 इंच होती है। कैथेटर का नंबर 4-5 आप यूज़ कर सकते हैं। रबर का उपयोग करने से पूर्व इसे गर्म पानी में धो लें। आइए रबर नेति का अभ्यास करेंगे। रबर नेति में रबर का जो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है, जहाँ से आप नाक के अंदर डालेंगे, वो बंद रहेगा। जो इसका एंडिंग पॉइंट होगा वो खुला हुआ रहता है। इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है जब आप इसका अभ्यास करेंगे। तो आइए रबर नेति का अभ्यास करें। रबर नेति के अभ्यास से पूर्व हमें ये देखना है कि कौन सा स्वर हमारा चल रहा है, कौन सी नाक खुली है। आप बाई नाक को बंद करके दाई नाक से सांस लेंगे व छोड़ेंगे। पुनः दाई नाक को बंद करके बाई से सांस लेना व छोड़ना है। आपको पता चलेगा कौन सी नाक आपकी खुली है, अर्थात कौन सा स्वर आपका चल रहा है। दाई नाक से अभ्यास शुरू करेंगे। धीरे से रबर को स्टार्टिंग छोर से पकड़ते हुए धीरे धीरे घुमाते हुए अंदर डालना है। यदि आपको महसूस हो कि गले तक रबर आ चुका है, तो आपको अपनी तर्जनी उंगली और मध्यमा का इस्तेमाल करते हुए अंदर से आपको पकड़ना है। धीरे से आप देख सकते हैं अभ्यास किया, अभ्यस्त होंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, हो सकता है कि कुछ समय भी लगे आपको। धीरे धीरे आप डालेंगे। डालने के बाद इस प्रकार से पकड़ते हुए झटके से आपको निकालना नहीं है। स्टार्टिंग में हल्की सी खिसकाते हुए मुँह से आपको बाहर निकालना होता है। हो सकता है थोड़ा कफिंग या खांसी आपको इसमें हो। आप चाहें तो अपनी नाक साफ कर सकते हैं। तो आइए यही अभ्यास दूसरी नाक से करेंगे, बाई नासिका से। रबर पकड़ने का सही तरीका, आपको इसका स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ना है, थोड़ा नीचे से धीरे से बाई नासिका के अंदर डालना है। ऊपर की ओर गर्दन घुमाते हुए मुंह खोल के रखें। धीरे धीरे रबर को अंदर खिसकाना है। लंबी गहरी सांस भरते रहें, रबर को अंदर खिसकाते रहें। रबर गले तक आ गया है तो आपको महसूस होगा। धीरे से अपनी बीच की दो उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए तर्जनी व मध्यमा आपको अंदर डालना है। मुंह खोलते हुए इस प्रकार से निकाल कर इस स्थिति में रुक कर हल्की सी आपको रबिंग करनी है, जिसमें आपको खांसी होगी, आपके म्यूकस साफ होगा अच्छे से, आपकी नाक आपको पूरी प्रॉपर साफ करनी है। धीरे से मुंह से आपको निकालना है। सही तरीके से इसमें आपको थूकना है। यदि खांसी आ रही है तो अच्छे तरीके से आपको खांसना है। धीरे से वापस आते हुए यहीं से अगला अभ्यास हम करेंगे। इसी में जल नीति का। जल नीति के अभ्यास के लिए आप पॉट को पानी से भरेंगे। पॉट यदि रखा हुआ है सामने तो आप उसे लेंगे। इसके लिए आपको तैयार रहना है। रबर नेति के बाद हमारे दोनों नाक अच्छे से खुल जाती है, तो हम स्टार्ट करेंगे बाई नाक से। धीरे से बाएं हाथ में आपको पॉट को होल्ड करना है, पांचों उंगलियों से इसकी चोटी को बाई नासिका के अंदर धीरे से फिक्स करें। धीरे से फिक्स करते हुए गर्दन झुकाते हुए बाई ओर देखें। आगे की ओर झुकते हुए हल्का सा पानी आने लगेगा। यह अभ्यास आप करेंगे जिससे नाक की गंदगी जो अंदर रह गई थी
जल के द्वारा साफ हो जाएगी। यह अभ्यास आपको जल नीति के लिए नहीं करना है, केवल नॉस्ट्रिल की क्लींजिंग के लिए करना है। धीरे से वापस आएंगे, पानी को अच्छे से बाहर निकालेंगे। यदि पानी अंदर रह गया हो अच्छे से साफ करें। श्वास छोड़ते हुए प्रॉपर तरीके से आपको एक्सहेल करना है। धीरे से बाई नासिका को बंद करते हुए श्वास छोड़ें। पुनः बाई नासिका को बंद करते हुए दाएं बाएं घुमाते हुए श्वास छोड़ें। बाई ओर घुमाते हुए श्वास छोड़ें। गर्दन को ऊपर की ओर हल्का सा गर्दन उठाते हुए थोड़ा नीचे झुकाते हुए हम करेंगे। दूसरे नाक से भी इसी प्रकार से आपको पानी निकालना है नीचे की ओर। यदि साफ है ऊपर की ओर हल्का मुड़ जाए। यहीं से दाईं ओर थोड़ा सा बाईं ओर पानी निकल चुका है तो पानी नहीं आएगा। यदि फिर भी रह गया है तो आप दोनों नाक से भी इस प्रकार से पानी निकालेंगे। यही अभ्यास दोनों नाक से करेंगे, नीचे की ओर ऊपर की ओर आगे झुकते हुए दाएं व बाईं ओर व पुनः जल नीति के लिए तैयार हो जाएंगे। दाई नासिका से करने के लिए पॉट को पकड़ने का तरीका आपका यही रहेगा। जल नीति के अभ्यास के लिए आपके पास टॉवल भी होना चाहिए। अभ्यास प्रारंभ करेंगे। पुनः आपको दाई नासिका में टॉटी को फिक्स करना है। धीरे से आगे की ओर झुकते हुए मुंह खोलना है। गर्दन को झुकाते हुए दाई तरफ देखेंगे। पॉट को झुकाते हुए धीरे से आपका बाई नासिका से पानी आने लगेगा। जल नीति का अभ्यास करने के बाद आप 30 सेकंड या 1 मिनट समय अनुसार कर सकते हैं। पूरे अभ्यास के दौरान आपका मुंह खुला हुआ रहे। रबर नीति के बाद जल नीति का अभ्यास करने से नॉस्ट्रिल की अच्छे से क्लींजिंग हो जाती है। धीरे से वापस आते हुए पॉट रखते हुए पुनः पानी अच्छे से साफ करेंगे। नाक के अंदर ना रह जाए पानी। आगे की ओर झुकते हुए श्वास छोड़ें। हल्के हल्के कपालभाति का अभ्यास। धीरे से दाई नासिका को बंद करते हुए दाई ओर अभ्यास करें। बाई ओर झुकते हुए श्वास छोड़ें। बाई ओर गर्दन घुमाएं। धीरे से गर्दन ऊपर उठाते हुए हल्का नीचे झुकते हुए यदि पानी साफ हो गया है तो दाई नासिका से अच्छे से साफ करते हुए बाई नासिका को बंद करें। नीचे देखते हुए सांस लें। थोड़ा सा फोर्स के साथ आपको छोड़नी है। ऊपर की ओर देखते हुए हल्का सा दाई ओर हल्का सा बाई ओर यदि पानी नहीं आ रहा है तो आपको दोनों नाक से करने की आवश्यकता नहीं है। यदि फिर भी लगे तो आप दोनों नाक से भी इसी प्रकार से श्वास छोड़ेंगे। धीरे धीरे कपालभाति का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपको कपालभाति का अभ्यास करना है। इसमें श्वास छोड़ते हुए उदर का संकुचन थोड़ा सा फोर्स के साथ झटके से नहीं करना है, इससे आपके कानों में जोर पड़ सकता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अभ्यास करने के बाद पुनः विश्राम की स्थिति में आ जाएंगे। अभ्यास करने के बाद उसके प्रभावों को महसूस करें। आप चाहें तो रिलैक्सेशन के लिए अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। रबर नीति के बाद इनके लाभों की चर्चा करते हैं। यह अभ्यास म्यूकस मेम्ब्रेन की मालिश करता है, साइनस ग्रंथि की सूजन को कम करता है, बड़ी हुई हड्डी इस नीति के घर्षण द्वारा कम होने लगती है।
यह क्रिया तनाव या सुस्ती को दूर करता है, मिर्गी की समस्या में लाभकारी अभ्यास है। यह एकाग्रता को बढ़ाता है, मन को शांत कर मानसिक व आध्यात्मिक लाभ प्रदान करता है। रबर नीति के दौरान कुछ सावधानियां हमें ध्यान में रखनी है। यदि रबर नाक में ना जाए तो उसका अभ्यास धीरे धीरे करना है, सावधानी पूर्वक करना है, जोर जबरदस्ती से रबर को अंदर नहीं डालना है। नाक से खून बहने की शिकायत होने पर यह अभ्यास विशेषज्ञ के परामर्शन के बाद ही करें। यदि गले में संक्रमण या टॉन्सिल की समस्या अधिक है तो इस स्थिति में रबर नीति का अभ्यास आप रोक सकते हैं या योग प्रशिक्षक के निर्देशन में ही आपको सावधानी पूर्वक करना चाहिए।